शहर में विकास कार्यों को लेकर काम शुरू है। कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो विधायक अमित विज की ओर से उन्हें अमली जामा पहनाया जा रहा है। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए वार्ड नंबर 20 के पार्षद योगेश ठाकुर ने उनका आभार व्यक्त किया। पार्षद योगेश ठाकुर ने कहा कि वह विधायक साहब का धन्यवाद करते हैं जो वह पठानकोट वासियों के लिए वह शहर के विकास के लिए तत्पर हैं। देखो, विकास कार्य तो रुके हुए हैं, विकास कार्य हो तो नहीं रहे, और पर मैं एलिवेटेड ट्रैक के बारे में बताना चाहूँगा कि भी एलिवेटेड ट्रैक जो है ये सेंटर का काम था, पर हम विधायक जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं। उन्होंने पेप्सिको का एक प्रोजेक्ट लेकर आए, उसमें उन्होंने हमारे ज़िले के 4-5 हज़ार बच्चों को जो है वो रोज़गार दिलवा दिया, और अब वो बोलते हैं अभी हमने एलिवेटेड ट्रैक भी मेरे एफर्ट्स के साथ ही हो रहा है, उसके लिए भी बड़ा धन्यवाद करते हैं। एयरपोर्ट जो लेकर आए, वो फ्लाइट्स चालू करवाई, उसके लिए भी बड़ा धन्यवाद करते हैं। उसके साथ साथ एक छोटा सा काम जो हमारे ज़िले के लिए और है, विधायक जी से वो भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भी पिछले 2-2.5 साल से हमारे ज़िले में जो है वो हमारे पठानकोट में आरटीओ ही नहीं है। विधायक जी को शायद उनकी गाड़ी, तो वो विधायक हैं, उनकी परिवार की हैं, उनकी गाड़ियों का तो चलान होना ही नहीं है कभी, किसी पुलिस अफसर में इतनी हिम्मत नहीं है। पर आम जनता जो गरीब है, बेचारे ऑटो वाले हैं, जो स्कूटर वाले हैं, जो हमारे कोई एक्टिवा पे जा रहा है, कोई बाइक पे जा रहा है, जिनका आजकल कोविड पे भी बड़ा प्रचलन चल पड़ा है कि भी फटाफट विदाउट मास्क भी चलान हो रहे हैं, उन सभी को चलान जो है वो गुरदासपुर जाके भुगतने पड़ते हैं। हर किसी जिस किसी आदमी ने नई बाइक ली है, नई टू व्हीलर ली है, नई गाड़ी ली है, उसके लिए भी उसको जो है वो गुरदासपुर जाके रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं विधायक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि विधायक जी, ये छोटा सा आपके एक फ़ोन पे काम होने वाला है, और इस काम को भी आप जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर करवाएं, क्योंकि लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है इसके बीच में। और इसके साथ साथ एक छोटी सी विधायक जी से और रिक्वेस्ट करूंगा कि भी शायद उनको भूल गया हो, मेंबर पार्लियामेंट के इलेक्शन में उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से डंका बजाया था कि हिंदू कोऑपरेटिव बैंक को हम 50 करोड़ रुपया जो है वो CM साहब को कह के दिलवाएंगे। विधायक जी, इस लॉकडाउन पीरियड में कई जो साधारण परिवार जो हैं, वो जो गरीब परिवार हैं, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके पैसे जो हैं वो हिंदू कोऑपरेटिव बैंक में रुके हुए हैं, उनको इस टाइम फाइनेंशियल दिक्कत है, उनको लिमिट भी बढ़ानी चाहिए। वो जो आपने प्रॉमिस किया था 50 करोड़ रुपये आप CM साहब से या जाखड़ साहब से दिलवाएंगे, उसके लिए भी आपको गंभीर प्रयास करने चाहिए। बस ज़्यादा ना कहता हुआ मैं यही बोलूँगा कि शहर के विकास के कार्य जो है वो जल्द से जल्द शुरू होने चाहिए, जो 3-3.5 साल से तकरीबन ठप पड़े हुए हैं, क्योंकि कोरोना जो है इसके साथ तो हमें ज़िंदगी जीनी है। और शहर की सड़कों के बुरे हाल हैं, शहर में तराई तराई हुई हुई है, पानी की मोटर्स जो है कई ट्यूबवेल्स पे बड़ी पुरानी हो गई हैं, 5-5, 6-6 बार रिपेयर हो गई है, सीवरेज की व्यवस्था बहुत ख़राब है, और इसके साथ और कई दिखते हैं जो ट्रांसफार्मर चेंज कर रहा है बिजली बोर्ड, उसके साथ आपके बंदे जा के फोटो खिंचवा रहे हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि विधायक जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी PSPCL के कामों का भी श्रेय लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सारे कार्य जो हैं इनको टॉप प्रायोरिटी के ऊपर करवाने चाहिए, जनता और समय की इस टाइम मांग है। बस ज़्यादा ना कहता हुआ मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो विकास कार्य हैं उनको जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्पीड नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि पठानकोट से जुड़ा हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले।